दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव अरोड़ा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल मेडी बाइट्स पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कोविड-19 के ऊपर है। आज हम ये पता करेंगे दोस्तों कि क्या करेंसी नोट्स के थ्रू भी कोरोना वायरस फैल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी किसी ने कोई क्लैरिटी नहीं दी। करेंसी नोट्स पेपर है, पेपर पे बहुत सारे पैथोजेंस ऑलरेडी चिपकते हैं और काफ़ी समय के लिए लाइव रहते हैं। इससे पहले भी जितने कोरोना वायरस रहे हैं, जिन्होंने सार्स वाली बीमारी फैलाई थी या जिन्होंने मर्स वाली बीमारी फैलाई थी इससे पहले, वो सब भी पेपर के थ्रू ट्रांसमिट होते थे। तो जो इंडिया में करेंसी यूज़ होती है, क्योंकि वो पेपर से बनी हुई है, तो इसीलिए इस पेपर पे भी ये स्टिक करके रह सकता है कोरोना वायरस और एक आदमी से दूसरे आदमी में बिल्कुल फैल सकता है। एक रिपोर्ट भी अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर को दी गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि करेंसी नोट्स की वजह से वायरस फैलने का खतरा है, इसीलिए हमें पॉलीमर नोट्स की तरफ स्विच करना चाहिए, जैसे बाकी कई कंट्रीज अभी कर रही हैं इस समय में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए हमें डिजिटल पेमेंट मोड्स का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, करेंसी नोट्स के थ्रू ये खतरा है ही है। कार्डबोर्ड के ऊपर जो रिसर्च हुई थी, जो आर्टिकल छपा था कि कार्डबोर्ड जो कि पेपर से ही बनता है, उसके ऊपर अगर 24 घंटे तक वायरस लाइव रह सकता है, तो बिल्कुल आपके करेंसी नोट्स के ऊपर भी वायरस लाइव रह सकता है और इसके थ्रू ये फैल सकता है। इसीलिए आपको सावधानी बरतनी है। जब भी आप करेंसी नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके इस्तेमाल के तुरंत बाद आपको हैंड सैनिटाइज़र से अपने हाथ धोने हैं, अगर आपके आसपास साबुन अवेलेबल नहीं है तो। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर साबुन अवेलेबल है तो साबुन से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथ ज़रूर धोएं। हैंड सैनिटाइज़र के ऊपर मैं साबुन को समझता हूँ, इसीलिए आप साबुन से अपने हाथ ज़रूर धोइएगा। अगर आपको जानना है मैं क्यों साबुन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ये जान सकते हैं कि साबुन ज़्यादा बेहतर क्यों है किसी भी हैंड सैनिटाइज़र से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।